2021 काउंसलिंग में सीट्स भी अलॉट कर दी गई हैं, और जिन्हें जिन्हें सीट्स मिली उन्हें बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अभी सीट्स भी अलॉट हो गई, कॉलेज भी हो सकता है स्टार्ट हो जाए एक महीने के अंदर। सो विच थिंग्स यू शुड बाय बिफोर एंट्रिंग इन टू फर्स्ट ईयर MBBS, इस वीडियो में आपको ये मैं बताऊँगा। और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि iPad लेना बहुत ज़रूरी है क्या, तो मैं वो भी बताऊँगा इस वीडियो के थ्रू आउट, और बुक्स कौन कौन सी यूज़ करनी चाहिए ये भी। तो इस पूरे वीडियो को एंटर देखिए। फर्स्ट चीज़ है स्टेथोस्कोप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये स्टेथोस्कोप हर कोई नहीं पहन सकता, सिर्फ डॉक्टर ही इसे पहन सकते हैं। और इस स्टेथोस्कोप तक पहुंचने की एक बहुत मुश्किल जर्नी होती है, जो कि आप सबने कंप्लीट किया या आप अभी वीडियो देख रहे हैं और अगले साल कंप्लीट कर रहे हो। तो स्टेथोस्कोप नॉर्मली 700-800 रुपये के रेंज में आपको मिल जाएगा, और अभी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लेने की ज़रूरत नहीं है। एक माइक्रोटोन ब्रांड का स्टेथोस्कोप आता है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट में मिल जाता है, नॉर्मल ऑफलाइन शॉप्स में मिल जाता है, तो आप उसे ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे कलर भी आते हैं, तो अगर आपको थोड़ा जो हटके कुछ लेना है तो वो भी ले सकते हैं, जैसे कि ब्लू कलर का भी आता है, रेड कलर का भी आता है, ग्रे ब्लैक तो बहुत कॉमन है। जो जो फर्स्ट ईयर में जो जो साउंड्स में सुनने होते हैं वो सब ये माइक्रोटोन के जो स्टेथोस्कोप है आराम से हम लोग सुन सकते हैं, और अभी फर्स्ट ईयर में लिटमैन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। सेकेंड चीज़ है एप्रन। ये एप्रन आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, या जो कॉलेज आपका है उसके आसपास कोई शॉप में मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है ऑनलाइन बेटर क्वालिटी में मिले, तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज का जो लोगो है एम्बलम उसमें यहाँ पे लगाना पड़ता है, तो आप बाद में स्टिच करवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अपने साइज के हिसाब से आप एप्रन ऑर्डर कर सकते हैं। थर्ड चीज़ है क्लोथ्स। क्लोथ्स मतलब जैसे कि आपके कॉलेज में कोई ड्रेस कोड हो सकता है, वो जैसे कि महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेजेस हैं मोस्टली सब में फॉर्मल्स पहनने होते हैं फर्स्ट ईयर, जैसे कि ये मेरे कॉलेज का ड्रेस कोड है, प्लेन शर्ट और प्लेन पैंट फर्स्ट ईयर में होता है, सेकेंड ईयर से इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है। और इंडिया के अंदर मोस्टली सब कॉलेज में शायद ऐसा ही होता है, तो आपके कॉलेज में कैसा है वो पता करिए, और उस हिसाब से फिर अपने जो यूनिफॉर्म है ड्रेस कोड वो ले लीजिए। और बहुत महंगे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बायोकेमिस्ट्री लैब है वहाँ पे हो सकता है शर्ट ख़राब हो जाए, और जो एनाटॉमी में डिसेक्शन करते हैं हम लोग उस टाइम पे भी फॉर्मूले लग जाता है तो कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसे महंगे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत रफ यूज़ होता है उसका कॉलेज। फोर्थ है नी जर्क हैमर, मतलब जो हैमर से जो जर्क रिफ्लेक्सेस हैं वो चेक करते हैं। ये फिजियोलॉजी में जो सेंसरी और मोटर प्रैक्टिकल्स होंगे आपके उसमें यूज़ होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मतलब ये लेना एकदम कंपलसरी नहीं है, ये लैब्स में अवेलेबल रहता है, लेकिन आपको घर में इसे करना है या हॉस्टल में करना है तो ये ले सकते हैं। ये अराउंड 250 रुपीज़ का ऑनलाइन मिल जाता है, तो ये हैमर भी ले सकते हैं। तो फिफ्थ है बुक्स, लेकिन बुक्स अभी नहीं लेनी है, बुक्स अभी सिर्फ आपको एक्सप्लोर करना है कि कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन सी बुक मुझे सूट करेगी। तो ये कैसे करना है, मैं कुछ भी बुक्स के नाम बताऊँगा, आप उन बुक्स के PDF डाउनलोड करके, अगर घर में कोई लैपटॉप या टैब है क्योंकि उसमें थोड़ा पढ़ने में ईजी रहता है, तो उनमें इस बुक्स के कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ के देखिए अभी जो टाइम है कॉलेज खुलने के तक। और बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी का तो फर्स्ट चैप्टर सेल है, जिससे हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर भी हैं, तो वो भी पढ़ सकते हैं उससे। तो एनाटॉमी के लिए बुक्स हैं BD चौरसिया और विश्राम सिंह, सबसे ज़्यादा यही चलती है, और फॉरेन ऑथर की ग्रेज एनाटॉमी भी है, लेकिन वो थोड़ी आप देख सकते हैं PDF डाउनलोड करके तीनों बुक्स का कौन सी बुक सूट कर रही है। और अभी ख़रीदना नहीं, क्योंकि हर कॉलेज का एक अलग तरह से बुक्स मतलब ज़्यादा चलती है, तो वो आपके टीचर्स आपको बताएंगे कि ये हमारे कॉलेज में, या वो रिकमेंड करेंगे कि ये बुक पढ़ो ये बुक पढ़ो, तो अभी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्सप्लोर करना है PDFs। फिजियोलॉजी के लिए गाइटन है, सेम्बुलिंगम जो कि थोड़ी लो स्टैंडर्ड हो जाती है, और एक AK Jain है वो भी अच्छी है, और GK पाल है वो भी अच्छी है, ये सब बुक्स का भी आप PDF एक्सप्लोर कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिए वासुदेवन और सत्यनारायण, ये दो बुक्स बहुत चलती हैं, तो इन दो बुक्स का भी आप देख सकते हैं। ये ज़्यादा बुक्स देखने का एम यही है कि आपको समझ में आएगा कि कौन सी बुक मुझे ज़्यादा सूट कर रही है, और कौन सी बुक मैं ज़्यादा अच्छे से मैं पढ़ सकूँ। अभी कुछ अदर थिंग्स भी है, जैसे कि जो कि मैं मेन इसमें इंक्लूड नहीं किया हूँ लेकिन अलग से रखा हूँ, जैसे कि एक अच्छा मोबाइल फ़ोन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन क्लास भी होती है, और बहुत सारी PDF होते हैं उससे फ़ोन में स्टोर करना पड़ता है, तो अच्छा स्टोरेज भी होना चाहिए फ़ोन में, और जो ऑनलाइन एग्जाम्स अगर होंगे तो उसको स्कैन करके तो भेजना पड़ता है, तो हैंग वैंग ना हो जाए फोन, तो ठीक ठाक फ़ोन होना चाहिए, मिड रेंज का, बहुत महंगा फ़ोन भी नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक एक फ़ोन होना चाहिए जो कि कभी हैंग ना हो और अच्छे से चले। और ये भी बहुत अभी
कंफ्यूजन रहता है कि आईपैड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आईपैड के बहुत सारे एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा महंगा है, लेकिन वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे जितने मैंने बुक्स अभी बताई ये सारी पीडीएफ सोचिए आप एक उस आईपैड में लेके घूम सकते हैं, कहीं भी जाएंगे कभी भी मन करा तो उसको पढ़ सकते हैं। और इतनी सारी बुक्स हम लोग खरीद नहीं सकते क्योंकि मेडिकल की बुक्स बहुत महंगी आती हैं। अब जैसे मैंने जितनी बुक्स बताई सब अराउंड 1000 तो होगी, तो बुक्स बहुत महंगी होती हैं। और आईपैड से ये होता है कि हम बहुत सारे पीडीएफ अलग अलग, और इनके अलावा और भी कुछ बुक्स होती है जैसे कि एटलस होती है और गाइड टाइप की होती है, एग्जाम की प्रेप मैनुअल होती है, तो वो सब आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तभी ले सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आईपैड कंपलसरी नहीं है। आईपैड एक फ़ायदा ज़रूर देगा लेकिन कंपलसरी नहीं है, तो आपके ऊपर है आपको उसे लेना है कि नहीं लेना है। मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, अगर आप सिर्फ एक बुक से पढ़ते हैं, आपको एक बुक से ही पढ़ने की आदत है तो आईपैड उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत सारी बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आईपैड अच्छी बात है। सो दीज आर सम एसेंशियल्स व्हिच यू नीड टू बाय बिफोर एंटरिंग इनटू फर्स्ट ईयर। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।